हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल करण बावसार में। सो अभी लॉकडाउन चल रहा है और लोग अपने घरों पर कोई ना कोई नई गेम खेलते रहते हैं, जैसे कि कैरम है, लूडो है, और कोई इंटरनेट गेमिंग खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, अलग अलग तरह की सारे लोग गेम्स खेल रहे हैं। तो मेरे पास भी काफ़ी साल पुरानी एक वीडियो गेम पड़ी है जिसे मैं ढूंढने वाला हूँ और देखते हैं कि वो वीडियो गेम चालू होती है या नहीं। ये वीडियो बनाने का आइडिया मेरी फ्रेंड ने दिया है, तो बिग थम्स अप फॉर हर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो ये जो वीडियो गेम है वो मैं 20 साल पहले खेलता था, तो अभी तो पता नहीं कहाँ पे पड़ी है। ऐसा बोला है कि कहीं नीचे बेड पे रखी हुई है, तो चलिए ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये वीडियो गेम चालू होती है या नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे ये जो डबल बेड है उसे खोलना होगा और ढूंढना होगा कि वीडियो गेम कहाँ पर है। गाइज, मुझे अभी ये वीडियो गेम मिल चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है मीडिया लिटिल मास्टर। यहाँ पर हम जो गेम की कैसेट आती है वो लगाते हैं, यहाँ से पावर ऑन का बटन है और यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको ये कैसेट निकालनी हो तो ये बटन आप जब दबाओगे तो यहाँ से कैसेट निकल जाएगी। और देखते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स है। ये लिटिल मास्टर की वीडियो गेम है और यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तरह के पोर्ट्स है। यहाँ पर है इसी एडेप्टर्स, और यहाँ पर है ऑडियो पोर्ट, यहाँ पर है वीडियो पोर्ट, RF एंड आउटपुट। जो भी हमारे रिमोट्स आते हैं वो यहाँ पर आपको लगाने होते हैं, और गन आती है वो यहाँ पर लगाते हैं। तो ये काफ़ी साल पुरानी है, तो देखते हैं कि अभी हमारे टीवी में ये चलती है या नहीं। और यहाँ पर मुझे एक वायर मिला है, और यहाँ पर मुझे मिली है ये कैसेट, जो कि इसमें 42 in 1 ये है, यानी कि इसमें 42 गेम्स है। और इसमें लिखा हुआ है कौन कौन सी गेम्स इसमें है, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर मुझे मिल गया है एडेप्टर, ये है PC 12 वोल्ट एडेप्टर। और यहाँ पर है इसके रिमोट कंट्रोल्स, आप जैसे कि आप देख सकते हो लिटिल मास्टर्स के ये रिमोट कंट्रोल्स, ऐसे दो रिमोट कंट्रोल्स हैं मेरे पास। और ये दूसरा ये रहा रिमोट। यहाँ पर भी मुझे दो अलग अलग तरह के ये जो कैसेट्स आते हैं वो मिले हैं, ये चीप होते हैं, इसमें गेम्स होती है। ये हो गया हमारा वीडियो गेम का सेटअप रेडी, मुझे मिल गई ये वीडियो गेम। अब प्लग इन करते हैं और देखते हैं कि ये 20 साल बाद ये वीडियो गेम वर्क करता है या नहीं। सो यहाँ पर मुझे वीडियो गेम के साथ जो गन आती थी वो भी मिल चुकी है, और एक और कैसेट मिली है मुझे। तो गाइस, पहले जब मैं वीडियो गेम खेलता था तो वो CRT टीवी जो आते थे उसमें मैं वीडियो गेम्स खेलता था, पर अभी ये वाला टीवी है, तो देखते हैं कि इसमें वीडियो गेम कनेक्ट होता है या नहीं। तो सबसे पहले ये मीडिया लिटिल मास्टर यूनिट को लगाते हैं, जिसे बोलते हैं मीडिया टीवी गेम सिस्टम। सो यहाँ पर मेरे एयरटेल का जो टीवी सेटअप है उसमें ये 3 वायर जो पीछे टीवी में जाते हैं वो लगाए हुए हैं। तो ये मैं यहाँ से डिसकनेक्ट करूँगा और यहाँ पर ये जो सिस्टम है उसमें लगाता हूँ, और देखता हूँ कि वीडियो गेम का वीडियो टीवी में कनेक्ट होता है या नहीं। सबसे पहले आप देख रहे हो ये येलो जैक है, और उसके बाद वाइट, और ये रेड, ये तीनों को मैं प्लग आउट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं वाइट कलर का जो वायर है उसे लगाता हूँ, और यहाँ पर है RF का पोर्ट तो उसे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। और यहाँ पर है आउटपुट, एयरटेल का जो डिश टीवी का कनेक्शन था उसमें से ये तीनों वायर को निकाला और इसमें मैंने लगाया है। तो अब इसे मैं एडाप्टर से प्लग इन करता हूँ, इस पर पावर सप्लाई देता हूँ और देखता हूँ कि अब आगे क्या होता है। ये जो आप देख रहे हो वो है 12 वोल्ट का DC पावर सप्लाई, मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूँ। सो गाइस, सारे वायर्स लग चुके हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसमें अभी मैं रिमोट प्लग इन करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये रिमोट्स में भी 4 अलग अलग तरह के बटन्स है। यहाँ पर है जॉयस्टिक्स, और यहाँ पर आप सिलेक्ट करते हो गेम, और यहाँ से गेम स्टार्ट होगा, और यहाँ पे अलग अलग तरह के फायरिंग्स के बटन्स है। सो अब मैं ये जो 42 in 1 गेम है उसे ये स्लॉट में फिट करता हूँ और देखता हूँ कि ये वीडियो गेम 20 साल बाद चलता है या नहीं। अभी ये इसको पावर सप्लाई देता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसे स्टार्ट होता है या नहीं। तो ऑलराइट गाइस, जैसे तैसे करके मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई तो अभी ऑन हो गया है। तो अब मैं ये टीवी में इनपुट सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं कि यह गेम चालू होता है या नहीं। ओके, गेम कंसोल मैंने सिलेक्ट तो किया हुआ है गाइस, कुछ ब्लू स्क्रीन तो आई हुई है। ये AV में अभी कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। दूसरा इनपुट देखते हैं, CMP करके कुछ है। गेम तो कनेक्ट हुआ है पर कुछ डिस्प्ले में नहीं आ रहा है।
सो ऑल राइट गाइज, जैसे तैसे करके मैंने अभी ये गेम को चालू कर दिया है, ये टीवी के साथ कनेक्ट कर दिया है, और आप देख सकते हो कि गेम का जो मेन स्क्रीन है वो आ चुका है ये टीवी में, और ये 42-in-1 गेम का है। तो देखते हैं कि अब ये रिमोट से ये मूवमेंट होता है या नहीं। फिर से रिमोट लगा के देखता हूँ, मेरे पास दो रिमोट है, और यहाँ पर ये जो रिमोट है वो नहीं चल रहा था, तो ये रिमोट से अभी मैं कुछ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सामने मूवमेंट आ रही है, आप देख सकते हो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं और जाते हैं गेम में। ऑलराइट, तो यहाँ पर शुरू हो चुकी है कॉन्ट्रा गेम, तो प्लेयर 1 हम चालू करते हैं। तो ये स्टेज 1 शुरू हो चुका है, अभी भी ये वर्क कर रहा है पूरी तरह से। ये जो बटन दबाते हैं तो वो जंप करता है, फायरिंग करने के लिए ओके ये बटन है। चलो गया, और ये मुझे पावर मिल चुकी है। सो ये बहुत सारे पहले मैंने ये गेम खेली थी, और आज मैं फिर से ये लॉकडाउन की वजह से ये गेम खेल पा रहा हूँ। अरे यार आउट हो गया, गेम ओवर। सो यहाँ पर लेवल 2 में है पिनबॉल, डोंकी कॉन्ग, सर्कस, बेस 1, टेनिस, वाटरफॉल और मार्कोस। ये अब मैं खेलता हूँ F1 रेस। अब आया एक्सीलेटर, दे दिया है फुल, और चलाते हैं कार, देखते हैं कि सर्किट ख़त्म कर पा रहे हैं या नहीं। आप देखो 20 साल पहले की ये गेम है, फिर भी अभी परफेक्ट चल रही है, आवाज़ बावाज सब कंप्लीट है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं गेम ओवर। तो अब मैं वर्ल्ड फेमस गेम मारियो खेलने वाला हूँ। ये बटन्स मेरे जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है गेम खेलने में। और ये मैं जंप लगा रहा हूँ। और राइट, यहाँ से शायद कहीं ऊपर जा सकते थे पहले, मुझे याद है, पर अभी पता नहीं कहाँ से जाते थे ऊपर, शायद नीचे जा सकते हो। ऑल राइट, तो अभी मैं दूसरी ये कैनाल में से नीचे आया, और देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे, और यहाँ पर मैंने बेसबॉल स्टार्ट किया है। ये गेम भी मैं बहुत खेलता था, तो देखते हैं कि अभी कैसे चल रही है गेम। और ये 104 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा में फाउल हो गया है। और राइट, 93 किलोमीटर पर आवर। तो गाइज, ये जो वीडियो गेम है वो अप्रोक्सीमेटली 20 साल पुरानी है, पर आज मैंने चालू की तो ये चालू हो गई है। और भी कई गेम्स आप मेरे को खेलना देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सी गेम में अभी मैं प्ले करूं। अभी मैं रोड फाइटर गेम को ऑन करता हूं। ये गेम भी बहुत ही अच्छी तरह से अभी चल रही है। T9 फ्यूल है, और यार ये सारी गेम काफ़ी सालों के बाद मैं खेल रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे पास गन भी पड़ी है, ये गन मैं इससे कनेक्ट करता हूँ और डक गेम स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कि अभी ये गन चलती है या नहीं। शायद ये गन जो है वो बिगड़ चुकी है, गन नहीं चल रही है।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल करण बाउसर को सब्सक्राइब करें, और आगे भी कोई और गेम आपके माइंड में और आपको पता हो तो वो मैं इसमें खेलूँगा, तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कौन सी गेम आप देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।